नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की। वहीं पहली बड़ी खबर, संक्रमित मरीजों की संख्या 20,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 1383 नए मामले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1383 नए मामले सामने आए हैं और 50 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 19,984 हो गई है, जिसमें 15,474 सक्रिय हैं, 3,870 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और 640 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, रमजान के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन कर मस्जिदों में भीड़ न हो, केंद्र ने राज्य सरकार को दिए आदेश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से कहा कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पवित्र इस्लामिक महीने में रमजान के दौरान सतर्क रहें, साथ ही सुनिश्चित करें कि नमाज के लिए भीड़ इकट्ठी नहीं हो। रमजान बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों से कहा कि मुस्लिम नेताओं से अपील करें कि वे अपने अनुयायियों को घरों के अंदर रहने के लिए कहें। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, लॉकडाउन के दौरान किसी भी धार्मिक स्थल पर पूजा करना या इकट्ठा होना प्रतिबंधित है और हमें उम्मीद है कि हर कोई इस निर्देश का पालन करेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए चलाएं स्पेशल ट्रेन, सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से की मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार जल्दबाजी में आ गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से कहा कि लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के बारे में विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार को लगता है कि 30 अप्रैल के बाद 15 मई तक कोरोना का प्रभाव बढ़ने वाला है, तो यहां फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था की जाए। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना लॉकडाउन 2.0 में मिली और भी छूट, अब से किताब, मोबाइल रिचार्ज और बिजली के पंखे की दुकानें भी खुलेंगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने छूट की सीमा में विस्तार किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार से स्कूली किताबों, मोबाइल रिचार्ज की दुकानों, बिजली के पंखों की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खुले रहने की इजाजत दी है। वहीं ब्रेड फैक्ट्री, आटा और दाल मिलों को भी लॉकडाउन में छूट दे दी गई। बुजुर्गों की देखरेख के लिए उनके साथ रहने वाले मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज यूनिट, शहरों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को छूट में शामिल रहने के लिए स्पष्टीकरण जारी किया है। वहीं अगली बड़ी खबर, भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक और नई मुद्रा, भारत में आएगा 20 रुपए का सिक्का। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक और नई मुद्रा जुड़ने जा रही है। यह सिक्का होगा 20 रुपए का, जिसकी ढलाई की गई है और आम जनता के लिए प्रचलन में आने वाली। इससे पूर्व प्रचलित सिक्कों में अधिकतम मूल्य 10 रुपए का था। लेक सिटी के सिक्कों एवं नोटों के संग्रहकर्ता और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महेश जैन ने बताया कि 20 का नया सिक्का देश के सिक्कों का निर्माण करने वाली भारत सरकार की चारों टकसाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एवं नोएडा में बनकर तैयार है। वहीं अगली बड़ी खबर, पुरानी पैकिंग पर तारीख बदलकर सामान बेच सकेंगी कंपनियां। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए पूरे देश में जारी दूसरे दौर के लॉकडाउन के बीच पैकेट बंद सामान बेचने वाली कंपनियां पुरानी पैकिंग पर तिथि बदलकर सामान बाजार में बेच पाएंगी। केंद्र सरकार ने यह इजाजत दी है कि कंपनियों को पुरानी पैकिंग में नई निर्माण तिथि लिखना अनिवार्य होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उपभोक्ता मंत्रालय के माप एवं विधिक विभाग की तरफ से सभी प्रदेश को भेजे गए इस सर्कुलर में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की वजह से देश में विनिर्माण की गतिविधियां रुकी हुई हैं। ऐसे में कंपनियां पहले से छपी हुई निर्माण तिथि की पैकिंग को तय कर वक्त के अंदर खत्म नहीं कर पाई। ऐसे में कंपनियां पुरानी पैकिंग पर नई तिथि लिखकर इस्तेमाल कर सकती हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े कर्ज में डूबेंगे दुनिया भर के देश, 90 साल के इतिहास में सबसे बुरा दौर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महामारी में मंदी की मार से गरीब, मध्यम वर्ग और उद्योगों को बचाने के लिए दुनिया भर के देश राहत पैकेज, कर्ज छूट माफी और लोन गारंटी जैसे उपाय अपना रहे हैं। उनसे उन पर 7 से 10 लाख करोड़ डॉलर का बोझ आएगा और दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा कर्ज में डूबेगी। इसका सबसे बड़ा भार अमेरिका, जापान, चीन और भारत पर होगा। IMF पहले ही कह चुका है कि कोरोना से दुनिया पर 1930 की मंदी के बाद सबसे बुरी मार पड़ेगी। वैश्विक विकास दर 2020 में 21 में 3.3 की जगह 3% तक गिर सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में बच्चों को नहीं देनी पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन फीस, योगी सरकार ने जारी किया सर्कुलर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यूपी सरकार की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने सर्कुलर जारी किया है। इसमें सभी जिलाधिकारियों, शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं। सर्कुलर में कोरोना वायरस के चलते मासिक आधार पर फीस लिए जाने, किसी भी छात्र या अभिभावक को 3 महीने की एडवांस फीस जमा करने के लिए बाध्य न किए जाने, स्कूल द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन कार्यक्रम में किसी भी छात्र को वंचित न किए जाने और फीस न भरने की वजह से छात्र का नाम न काटे जाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूलों के द्वारा छात्रों से ट्रांसपोर्टेशन फीस ली जा रही है, जबकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं, इसलिए लॉकडाउन तय या स्कूल बंद रहने तक ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं ली जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, डॉक्टरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ IMA कल करेगी धरना प्रदर्शन।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोविड 19 के दौरान देश भर में डॉक्टरों पर हो रहे हमलों को देखते हुए मेडिकल टीम ने इसके विरोध में 22 अप्रैल को प्रदर्शन करने का फैसला लिया है, जिसे व्हाइट हाउस अलर्ट नाम दिया गया। इसमें 22 अप्रैल को रात 9 बजे डॉक्टर हाथ में कैंडल लेकर विरोध करेंगे। इसकी मांग है कि डॉक्टर की सुरक्षा के लिए सेंट्रल एक्ट जल्द लाया जाए और उसे लागू किया जाए। अगर इसकी बात प्रशासन नहीं सुनती तो 23 अप्रैल को ब्लैक डे मनाएंगे, जिससे देश भर के सभी डॉक्टरों के हाथों में काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इस बारे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपनी एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर और संस्थाओं को चिट्ठी लिखी है। खास बात यह कि डॉक्टर इस दौरान अपना काम जारी रखेंगे, क्योंकि देश में कोरोना का प्रकोप है। पिछले साल भी मेडिकल हेल्थ केयर और डॉक्टरों के साथ मारपीट के खिलाफ कानून लाने के लिए काफी विरोध प्रदर्शन और धरने हुए थे। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस लॉकडाउन में NHAI ने फिर से शुरू किया टोल कलेक्शन शुल्क में की बढ़ोतरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में टोल प्लाजा पर शुल्क का कलेक्शन फिर से शुरू कर दिया। लॉकडाउन से पहले की अवधि के मुकाबले नए वित्तीय वर्ष में 5% तक की बढ़ोतरी की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्राधिकरण से कहा था कि 24 मार्च 2020 को कोरोना वायरस महामारी का मजबूत लॉकडाउन को टोल शुल्क से बचाना चाहिए, लेकिन अब एक संचार में मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल कलेक्शन को फिर से शुरू करने के लिए आदेश दे दिए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, नोएडा बॉर्डर को किया गया पूरी तरह सील, सिर्फ इन्हें ही दी जाएगी छूट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। इस खतरनाक वायरस को रोकने के लिए प्रशासन हर जरूरी कदम उठा रहा है। इस बीच गौतम बुद्ध नगर के DM ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि दिल्ली गौतम बुद्ध नगर नोएडा बॉर्डर को सील कर दिया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया है। DM ने ट्वीट कर पूरी जानकारी दी, जिसमें कई आदेश लिखे हैं। पिछले कुछ दिनों में नोएडा में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में दिल्ली से आ रहे लोगों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आदेश के अनुसार इसमें कुछ छूट भी दी गई, जिसमें कर्मचारी सामानों का परिवहन और दूसरे वाहन के साथ विशेषज्ञ चिकित्सक भी शामिल हैं। वहीं DM द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कहा गया कि अगले आदेश तक दिल्ली नोएडा के बीच आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को छूट मिलेगी जो कोरोना सेवा में कार्यरत हैं। वहीं इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जिनके पास आने जाने का पास होगा। इसके अलावा विशेषज्ञ जानकारी चिकित्सक सूची नोएडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास उपलब्ध है, सिर्फ उन्हें ही आने जाने की इजाजत होगी। भारत सरकार में तैनात उप सचिव और उनके वरिष्ठ अधिकारी जिनके पास गृह मंत्रालय की तरफ से जारी पहचान पत्र उपलब्ध होंगे, उन्हें ही छूट दी जाएगी। एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कोविड-19 को नियंत्रित करने में दुनियाओं के नेता में PM मोदी शीर्ष पर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी डाटा रिसर्चर कंपनी मॉनिटरिंग कंसल्ट ने कोविड-19 के अमेरिका पर पड़े प्रभाव के बारे में रिसर्च की है। इस रिसर्च में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दुनिया के 10 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तुलना की गई है और ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने किस तरह से अपने देश में वायरस से निपटा है। इस पर मॉनिटरिंग कंसल्ट ने 1 जनवरी 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 के बीच में अमेरिका और अमेरिका से बाहर का डाटा इकट्ठा कर लिया है। इस रिसर्च में जो डाटा सामने आया है उस आधार पर भारत के प्रधानमंत्री पहले स्थान पर हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, चीन से आई रैपिड टेस्ट किट पर उठे सवाल, ICMR ने रोका इस्तेमाल, नए सिरे से होगा आकलन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में चीन से आई रैपिड टेस्ट किट ने भारत को धोखे का झटका दिया है। इसके मद्देनजर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने टेस्ट किट को नए सिरे से परखने का सभी राज्यों से अगले 2 दिनों के दौरान रैपिड टेस्ट न करने की सलाह दिए हैं। भारत ने हाल ही में चीन के करीब 9.5 लाख टेस्ट किट खरीदी थी, जिसमें 5.5 लाख रैपिड टेस्ट किट खरीदी गई थी। रैपिड टेस्ट किट के खराब होने की शिकायत राजस्थान में मिली थी, जिससे अपने यहां इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर, देश भर में तेजी से फैल रहा है संक्रमण, 10,000 से 20,000 मामले पहुंचने में लगे सिर्फ 8 दिन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में आज कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या आज 20,000 के पास पहुंच गई। वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी 640 हो गया। बड़ी बात यह है कि देश में कोरोना वायरस के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 8 दिनों में अंदर संक्रमण के मामले 10,000 से 20,000 हो गए, यानी सिर्फ 10 दिन में संख्या दोगुनी हो गई है। देश में संक्रमण का पहला मामला 30 जनवरी को केरल में मिला था। इसके बाद मामले 10 दिन में बढ़ते गए। 14 अप्रैल को देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10,000 पार हो गया और 399 लोगों की मौत हो चुकी थी। देश में 10,000 मामले तक पहुंचने में 74 दिन लगे थे। आज 22 अप्रैल को सिर्फ 8 दिन में ही मामले करीब 20,000 हो गए। वहीं अगली बड़ी खबर, अमित शाह ने डॉक्टरों से की बात, सुरक्षा का दिया आश्वासन, सांकेतिक प्रदर्शन न करने की अपील। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों से बातचीत की है। अमित शाह ने डॉक्टरों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और उनसे अपील की है कि वे उनके द्वारा प्रस्तावित सांकेतिक प्रदर्शन न करें। शाह ने कहा कि सरकार उनके साथ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टरों और चिकित्सक कर्मियों पर हो रहे हमलों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। IMA ने कहा था कि सरकार को सुरक्षित कार्यस्थलों के लिए हमारी वैध जरूरतों को पूरा करना होगा, चिकित्सक कर्मियों के साथ ही हो रही हिंसा तुरंत बंद होनी चाहिए।
अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने पृथ्वी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ग्रह और स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट पर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पर हम सभी हमारी देखभाल और करुणा के लिए अपने ग्रह का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि चलिए एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक समृद्ध ग्रह बनाने की ओर करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 को हराने के लिए अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे सभी लोगों का आभार है। वहीं अगली बड़ी खबर, फेसबुक और रिलायंस जियो डील के क्या है मायने, जाने दोनों के कारोबार में आएगी कितनी बड़ी तेजी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो से सोशल मीडिया नेटवर्किंग दिग्गज फेसबुक बड़ी हिस्सेदारी खरीद रहा है। फेसबुक ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। भारतीय रुपए में देखें तो 43,574 करोड़ रुपए की रकम बैठती है। इस डील के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस रिटेल और व्हाट्सएप में भी करार होगा। रिलायंस रिटेल के न्यू ई कॉमर्स बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए करार होगा, जिसके तहत जियो मार्ट प्लेटफॉर्म पर रिटेल कारोबार बढ़ाने के लिए डील पूरी की जाएगी। इससे व्हाट्सएप पर छोटे कारोबारियों को स्मॉल लेवल किराना कारोबारियों के साथ साथ जियो मार्ट के साथ पार्टनरशिप का फायदा मिलेगा। इस साझेदारी के चलते दोनों कंपनियां मिलकर काम करेंगी, जिससे व्हाट्सएप के जरिए ग्राहक अपने घर पर सबसे करीबी किराना दुकान से जियो मार्ट के जरिए भुगतान कर सामान मंगवा सकेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन पर तनातनी के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कही ये बात। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से कहा गया कि यह सच नहीं है कि राज्य में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए तैनात केंद्रीय टीम का सहयोग नहीं किया गया। ममता सरकार ने आश्वासन दिया कि वह लॉकडाउन पर केंद्र सरकार के सभी आदेशों का पालन करेंगी। बता दें कि यह आश्वासन तब दिया गया जब केंद्र ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर कोरोना वायरस के जमीनी हालात का आकलन करने के लिए तैनात केंद्रीय टीम के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को लिखे पत्र में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने कहा कि यह सच नहीं कि राज्य सरकार ने दो अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों को कोई सहयोग नहीं दिया। उन्होंने एक टीम के साथ दो बैठकें की थी और दूसरी के साथ संपर्क में थे। राज्य के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव से कहा कि मैं आश्वासन देता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ साथ आपदा प्रबंधन कानून के तहत जारी सरकार के आदेशों को लागू किया जाएगा। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान गंगे पश्चिम बंगाल उत्तरी उड़ीसा में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने और बादलों की गर्जना के साथ तेज हवाएं चलने का बिजली गिरने की आशंका है। पूर्वोत्तर राज्यों उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम बिहार के पूर्वी भागों पूर्वी झारखंड केरल में कुछ हिस्सों में तटीय कर्नाटक में गरज के साथ हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में एक दो स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में दिन के तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।